और अब 2024 चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आपको दे दे। कांग्रेस की गठबंधन समिति की आंतरिक बैठक में लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा हुई है। इसमें पार्टी नेताओं ने लोकसभा चुनाव में करीब 290 सीटों पर अपने दम पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। इसे लेकर पार्टी ने तैयारी तेज कर दी है। पार्टी के आंतरिक सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस देश भर में मजबूत सीटों पर उम्मीदवार चयन की प्रक्रिया शुरू कर चुकी है। पार्टी 290 सीटों पर खुद लड़ना चाहती है, जबकि लगभग 100 सीट सहयोगी दलों के साथ गठबंधन कर उम्मीदवार उतारने के पक्ष में है। मतलब कुल 390 सीटों पर गंभीरता से चुनाव लड़ने की रणनीति बनाई गई है और बाकी सीटों पर भी उम्मीदवार चयन में तेजी लाने का काम शुरू किया जाएगा। पूर्वोत्तर के लगभग सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ने के पक्ष में है। कांग्रेस 10 राज्यों में अपने अकेले के दम पर चुनाव लड़ेगी, जबकि 9 राज्यों में गठबंधन में लड़ने की रणनीति बनाई गई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कांग्रेस की गठबंधन की समिति में ये चर्चा हुई है। अब आपको दिखाते हैं वो 10 राज्य जहां कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि कौन कौन से वो राज्य हैं जहां पर कांग्रेस अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। तो गुजरात की 26 ऐसी सीटें, उसके अलावा हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में 10, असम में 10, पूर्वोत्तर के हालांकि इसमें सभी राज्य शामिल है, आंध्र प्रदेश की बात करें तो यहां पर 25, मध्य प्रदेश के 29 और तेलंगाना की भी बात करेंगे तेलंगाना में 17, इसके अलावा हिमाचल की बात कर ले तो हिमाचल में 4, कर्नाटक में 28, केरल में 20, राजस्थान की बात करें तो 25 और छत्तीसगढ़ में 11 और उत्तराखंड में या 5 ऐसी सीटें हैं जहां पर कांग्रेस अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। तो देखिए ग्राफिकली हमने आपको समझाने की कोशिश की है कि 2024 के लिए कांग्रेस किस दिशा में आगे बढ़ना चाहती है, यानी अकेले किन किन राज्यों में चुनाव लड़ना चाहती है। अब उन 9 राज्यों की बात करते हैं जहां पर कांग्रेस गठबंधन के साथ चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है और कितनी सीटों की डिमांड कर रही है। दिल्ली की बात करें तो 5 सीटों पर, बिहार की बात करें तो 9 से 10 सीटों पर, इसके अलावा पंजाब की बात करें तो 8 से 9, वहीं तमिलनाडु की बात करें तो 9 से 11, उत्तर प्रदेश की बात करें तो 10 से 15, बंगाल की बात करें तो 3 से 5। तो देखिए ये आपको ग्राफिकली हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर गठबंधन के साथ कांग्रेस जाती है तो किन किन सीटों पर और कितनी सीटों पर वो चुनाव लड़ सकते हैं। दिल्ली में 5, बिहार में 9 से 10, पंजाब में 8 से 9, तमिलनाडु में 9 से 11, उत्तर प्रदेश में 10 से 15 सीट और बंगाल में 3 से 5, वहीं कश्मीर में 3, झारखंड में 9, महाराष्ट्र में 24 से 26।